रांची में रथ यात्रा और रथ मेला का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, किंतु पिछले 2 सालों से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस पर ग्रहण सा लग गया था। इस वर्ष सरकार ने पूजा और यात्रा की आज्ञा के साथ साथ मेला लगाने की भी आज्ञा दे दी है। इस आदेश के आने के बाद ऐसे लोग जिनकी रोजी रोटी ऐसे मेलाओं से ही चलती है, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। आइए बातें करते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से। क्या नाम हुआ सर आपका? बाबू भाई। कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर से। 2 साल बाद ये मेला लग रहा है, तो इस बीच आप लोग को क्या परेशानी हो रही थी मेला नहीं लगने के कारण? देखिए, 2 साल क्या, ये 3रा साल मेला लग रहा है। 2 साल तो हम लोग पूरा बंद ही थे और कोरोना काल में जो परेशानी तो बहुत हुआ, पूरा मेला सब बंद था। मतलब हम लोग का सामान भी बहुत सारा चोरी हुआ, कुछ लेबर का भी प्रॉब्लम हुआ, लेबर को भी बैठा करके हम लोग को पेमेंट देना पड़ा, तो नुकसान तो बहुत हुआ है। लेकिन हाँ, इस बार भी आशा नहीं था कि मेला होगा, लेकिन फिर भी मेला का जब हम लोग को खबर मिला 20 तारीख को, तो तब से बहुत उत्साहित है और आशा है कि इस बार हम लोग का कारोबार अच्छा रहेगा। और हम लोग सरकार से बहुत ये हैं कि चलो हम लोग के ऊपर सरकार थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि मेला लगाने की अनुमति हम लोग को मिली। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी, 2 साल से लगभग सब कुछ बंद था, ऐसा मेला वेला सब कुछ। इस बीच आप लोगों को कई तरह की परेशानियां हुई? बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ है। क्या क्या परेशानी हुई? परेशानी यही हुआ है, सब स्टाफ लोगों को खाने पीने में दिक्कत, इधर उधर का ज़्यादा टेंशन हो गया था, माल को बैठाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, सब माल भी खराब हो रहा था। आप लोगों के साथ जो काम करते हैं वो 2 साल आपके साथ रहे या कुछ लोगों ने काम छोड़ा भी? कुछ लोग रहे हैं, मालिक लोग उन लोगों को खर्चा देते रहे घर में खाना पीना के लिए, मतलब जो जो प्रॉब्लम था जहाँ तक हुआ मालिक से उतना देते गए, और कुछ लोग अपना 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 जो भी काम मिल रहा था वो काम कर रहे थे। अरे, जो हुआ सो हुआ, इस बार मेला लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? इस बार तो बहुत ज़्यादा हलचल लग रहा है जगन्नाथपुर में, अच्छा लग रहा है, 2 साल बाद लग रहा है, और ऐसा भी कि हर साल से अच्छा ही रहेगा इस बार जगन्नाथपुर मेला। धन्यवाद।